ये खड़ी है बाबू भैया की गाड़ी। तो ये सिकंदर के लिए बहुत आसान है क्योंकि हमें ये पता है कि कौन सा फार्मूला है जिसके तहत ये शीशे के ऊपर से बर्फ हट सकेगी। तो लिहाजा अब बापू भैया से हम बनाते हैं पैसे और ये बर्फ हटाते हैं $6 के अंदर। चले आए देखते हैं। तो नाजरीन, फर्स्ट स्टेप ये है, जब कभी ऐसा हो तो हल्का सा गर्म पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी लें, ठीक है, और इस शीशे के इस साइड पे डाल दें ताकि आप बआसानी जो है शीशे को, मिरर को खोल सकें। तो अब हम इसको खोलेंगे बआसानी। ये आप देख सकते हैं हमने पानी डाल दिया, अब ये देखेंगे बआसानी खुल गया। पहले ये जाम हो रहा था, अब हम अंदर बैठते हैं तो देखते हैं कि शीशे से कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में बापू भैया जाएं जॉब पर तो कैसे जाएं? तो इसको हटाने का फार्मूला हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो आप मिरर देख रहे हैं, साइड मिरर्स, तो इन दोनों का क्या इलाज है? ये पानी की बोतल आप सिंपली इनके ऊपर डालकर और इसको नीचे कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शीशा मिरर नीचे नहीं जा रहा है, बर्फ़ की वजह से जम गया है, अटक गया, स्टक हो गया। तो अब इसके ऊपर हम नॉर्मल, याद रखें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं फेंकना आपने पानी, नॉर्मल पानी इसके ऊपर डालना। अब ये देखें, हमने बिल्कुल नॉर्मल गर्म पानी इसके ऊपर फेंका है और ये देखें मिरर अब तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा जब हम ऊपर करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अब आप हल्का और पानी फेंकेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो। ये देखें, ये है रेन एक्स डी आइसर, विंग शील्ड में हम इसको डालेंगे ताकि, और ये देखें ये है -30 टेम्परेचर भी हो रहा हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह डालना है आपने। तो ये नोट कर लें कि डी आइसर माइनस। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमारे बर्फ़ है, ठीक है, स्नो की वजह से हमें बिल्कुल मिरर में नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में पहला स्टेप ये है कि आप अपनी गाड़ी को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद जैसे कि आपको पता होगा ये करता ही रशिया में -70°C होता है, तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को ऑन ही छोड़ के जाते हैं ताकि जो बर्फ़ है उसके ऊपर ना जमे। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी गर्म होगी तो बर्फ़ जो है उसके ऊपर नहीं जमती, स्नो उसके ऊपर नहीं बैठती। तो अब हमने गाड़ी को ऑन कर लिया है, अब थोड़ा सा गाड़ी को गर्म करेंगे ताकि इसका इंजन जो है ये थोड़ा गर्म हो जाए। गर्म होने के साथ साथ फिर उसके बाद हम ये ऑन कर देंगे, ठीक है, इसको फुल कर देंगे। और ये आपने फ्रंट पे रखना है ताकि मिरर पर जो है वो गर्मी पड़े तो ये आइस जो है ये पिघलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि विंडशील्ड के लिए हमने डी आइसर का इस्तेमाल करना है और फिर इसके बाद ट्विस्ट करके ये तमाम जो बर्फ है ये हट जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हीटर चलाने की वजह से सारी बर्फ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। हमने सारी जो हीटर की गैस है वो हमने फ्रंट पे लगाई है, याद रखें, ताकि मिरर पर आपके इफेक्ट पड़े और आपको बआसानी दिखाई दिया जा सके। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इजीली। देखें, ये दूसरा मिरर भी काम करना शुरू कर दिया।
रखिए कि नाज़रीन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।